सबसे ज्यादा यूज होने वाले पैटर्न का नाम आज इस वीडियो में बताऊंगा, जो सब मार्केट में यूज होता है, यहाँ तक कि अमेरिका के मार्केट में, जापान के मार्केट में, सभी जगह जितने भी इंडेक्स हैं सभी जगह ये यूज होते हैं और सबसे ज्यादा यूज होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप कोई सा भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, सभी इंडेक्स के ऊपर चार्ट में सबसे ज़्यादा जो पैटर्न बनता है वो फ्लैग पैटर्न बनता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फ्लैग पैटर्न के बारे में बताएंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है और सभी मार्केट में बनता है, चाहे अमेरिका, जापान, चाहे इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट है, सभी जगह ये पैटर्न बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि मार्केट नीचे से बहुत ऊपर जाता है। यानी इंडेक्स का चार्ट भी अगर आप देखिएगा तो नीचे से बहुत ऊपर, थोड़ा नीचे करके ऊपर जाते रहता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चार्ट पैटर्न बनते हैं वो है आपका फुलिश फ्लैग पैटर्न। तो इसी फ्लैग पैटर्न के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें कैसे ट्रेड लेना है और इसका क्या स्टॉप लॉस होगा, तो आइए इस पैटर्न को समझते हैं बारीकी से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये मेरे जो हाथ में है सुपर ट्रेडिंग बुक, आज इसी बुक के मदद से हम इस पैटर्न को, बुलिश फ्लैग पैटर्न को सीखेंगे और इसी से हम पैसा बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका से बताऊँगा और ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है ये बुक मेरे लिए। ये पैटर्न झंडे के आकार का होता है और स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट माना गया है इस बुक को और इस पैटर्न को। तो अब बात कर लेते हैं इसमें ट्रेड कैसे ले। तो चलिए वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड लिया जा सकता है इस पैटर्न से। तो सबसे पहले मेरे पास है सुपर ट्रेडिंग बुक। अब इसमें सिंपल तरीका क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले पेज पर यहाँ पर कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया गया है, कौन कौन से कैंडल स्टिक्स हैं, और दूसरा पेज जो है यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि बुलिश फ्लैग कहाँ पे है, जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये यहाँ पे देखिए 21 नंबर में है बुलिश फ्लैग, तो सिंपली हमको 21 नंबर पेज में जाना है। ये 20 है, 21, यहाँ आप देखिए 21 नंबर पेज में बुलिश फ्लैग पैटर्न है। इसका आकार कुछ इस तरीके से होता है और ये सभी मार्केट में ज़्यादातर बनता है, यानी 90% यही पैटर्न वर्क करता है सभी मार्केट में, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, सभी जगह ये पैटर्न वर्क करता है, क्योंकि ये पैटर्न ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और शेयर मार्केट का चाल भी उसी तरीके से है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है, इसमें सारा इस बुक में बताया गया है। तो चलिए हम समझते हैं लिखा क्या है। यह एक बुलिश पैटर्न है, यह अप ट्रेंड में बनता है, यानी ये एक बुलिश पैटर्न है, यानी नीचे खरीदो ऊपर बेचो, अप ट्रेंड में बनता है, यानी मार्केट नीचे ऊपर बना के ऊपर जा रहा है, यानी अप ट्रेंड में है। यह झंडे के आकार का होता है दोस्तों, ये झंडा के आकार के होता है, जैसे फ्लैग है मेरा इंडियन फ्लैग, उसी के आकार का ये होता है। अब इसमें ट्रेड कैसे ले, हाउ टू ट्रेड। अब इसका मेन जो है ट्रेड लेने का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है, जब प्राइस ऊपर जाके करेक्शन करता है, जैसे मेरा प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखिए कैसे करेक्शन कर रहा है, करेक्शन करता है, उसके बाद फ्लैग बनाता है, यहाँ पर एक फ्लैग बना दिया, उसके बाद फ्लैग को ब्रेक करके यहाँ पे प्राइस ब्रेक किया और ऊपर क्लोज किया, तब मेरी एंट्री बन जाती है और उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट आपका मिनिमम जो होगा 1:2 होगा, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर स्विंग पोजिशनल करते हैं तो। अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखिए, प्राइस नीचे गया, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट हुआ, एक फ्लैग पैटर्न बनाया और उसको ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पर एरो का निशान है, ये कैंडल इसको ब्रेक कर दिया, तो मेरी यहीं पे एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मार्केट कितना वन वे रैली दिया है, और स्टॉप लॉस जो होगा यही एरो वाले कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होगा, तो आपके पास मनी भी बच रहा है। अगर स्टॉप लॉस होता है तो सिंपल हम स्टॉप लॉस को लेके मार्केट से निकल जाएंगे। और बेसिकली ये पैटर्न में आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसीलिए होता है क्योंकि ये पैटर्न ज़्यादातर बनता है। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है, बुलिश फ्लैग पैटर्न हर मार्केट में आपको मिलेगा, बस आपको इसमें ट्रेड लेना चाहिए, और ट्रेड लेने का यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो इसीलिए ये मेरे लिए खास बना है ये सुपर ट्रेडिंग बुक, जिसे मैं यूज करता हूँ। इसमें बहुत सारे पैटर्न है, मात्र 32 पेज का ये बुक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न था जिसके मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, बुलिश फ्लैग पैटर्न, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताया हूँ। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला कमेंट करके जरूर बताइएगा, अन्य दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे सुपर ट्रेडिंग बुक लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे बुक मिलेगा। थैंक यू।